हेलो दोस्तों, ये हम लोग दिस इज ब्यूटीफुल प्लेस दिस टी गार्डन यस फॉक वेरी नाइस दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस यस हिंदी में बोलो हिंदी में बोलो हमारे लोग हिंदी जानते हैं ओके ओके आई नो हरियाली फैली आई नो पकड़ेंगे स्मॉल इन हिंदी पत्ती आई ट्राई हिंदी ओके ओके आई ट्राइंग हिंदी आई एम ओके तो ये टी गार्डन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और कोई बात नहीं सुनेगा तो क्या करें ये टी गार्डन है आप यहाँ का देख सकते हैं ये पत्ती को ऐसा तोड़ के ऐसा सुखाएंगे तो टी बनता है इसका और आप जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक व्यू दिखाया था लैंडस्कैप का, जहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। चलो चलते चलते दिखाओ पीछे। अभी हम जो है यहाँ डॉल्फिन व्यू शायद आए हुए हैं, आई डोंट थिंक, बट आई डॉल्फिन व्यू ही होगा ये। और काफी अच्छा व्यू है, चारों तरफ से दिख रही है। कैमरामैन प्लीज थोड़ा दिखाओ, व्यू दिखाओ। पा रहे होंगे हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है शायद, तो थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, बट पूरा क्लीन होने के लिए शायद लगता है कि अभी एक दो घंटे और लग सकते हैं या फिर ना हो। अगर हमें क्लीन मिला, जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, और अगर हमें क्लीन हो गया तो आपके लिए हम जरूर बहुत अच्छी वीडियो शूट करने वाले हैं। बस देखते हैं क्या होगा। अमन भाई कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? सही से जोर से जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारा फॉग था, वो काफी अब गायब हो गया। बहुत अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे कि डॉल्फिन व्यू पॉइंट है, तो ये एग्जैक्टली डॉल्फिन व्यू पॉइंट ही है। आप देख सकते हैं वो डॉल्फिन नोस है। आप व्यू देखिए, जब तक अभी भी थोड़ा मौसम उतना क्लीन नहीं हुआ है, बट आप देख सकते हैं कुछ तो दिख ही रहा होगा आपको। बादल के बारे में कुछ बताएंगे? बादल जो है अभी हमें तो ऊंचाई पे है कि शायद 600 मीटर की ऊंचाई हुई किसी लेवल से, तो क्या मुकाबले है। बादल जो है हमारे पास में है, बस हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं क्योंकि मौसम क्लीन नहीं है इसके लिए, बट नो प्रॉब्लम। आपको फेस पे देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि आप खुश हैं? लेकिन आप इस तरीके से वीडियो ले रहे हैं, आप हमारी हम बहुत खुश हैं। हाँ दिखाओ, खुशी दिखाओ। खुशी क्या करूँ मैं, बताओ, कुछ ऐसा करो जो हमारे दोस्त लोग समझें कि आप खुश हैं कि नहीं। अच्छी दिखाओ।
ये आप देख रहे होंगे मैं इस टाइम बिल्कुल डॉल्फिन को ये उस पर खड़ा हूँ, बिल्कुल पॉइंट है ये, आप देख लो और इंजॉय करो। बस अगर मौसम अच्छा होता तो और भी अच्छा आ सकता है, अगर यहाँ पर थोड़ी व्यू दिखाइए। चलो ठीक है बाद में मिलते हैं। आए हुए हैं टी फैक्ट्री में जहाँ पर टी मैन्युफैक्चर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे काफी सारी मशीनें लगे हुए हैं, मेरे जरा दिखाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड दिखाओ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टी फैक्ट्री है जो कि प्रोसेस चल रहा है, आप देख सकते हैं इस साइड में ये छोटी सी टी फैक्ट्री है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई हैं। और आप थोड़ा साइड में हो जाइए और आप मशीन दिखाइए, आप ये वाली मशीन दिखाइए, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस कर रही है। हम लोग फ्री तो भीतर रहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये कैसे बनती है, तो समझ रहे हो आप लोग इस बात को, पूरी तरीके से देख पा रहे हो ये करना है। ये कुन्नूर में है ये टी फैक्ट्री, छोटी सी टी फैक्ट्री है लेकिन आप प्रॉब्लम देख सकते हो, अपने टी को बहुत क्यों लेकिन आप पहली बार टी को बनते हुए देखिए, उनकी पत्तियों पर यहाँ पर ग्रीन टी और कॉफ़ी टी और सारी टी यहाँ पर बनती है। ये छोटी सी फैक्ट्री है लेकिन काम बड़ा करती है। आप देखो, आप ध्यान से देखो, ये सारी मशीनें देखो, वहाँ पर ये लीफ ऊपर से नीचे आएगी, वहाँ से फिर वहाँ ड्राई हो रही है, ड्राई होकर वहाँ गिर रही है, वहाँ होकर वो कर रहे हैं, उसके बाद वो कर रहे हैं। बनाया था यहाँ के बारे में, जो कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं जो कि मैं अभी आपको इतना जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप इधर दिखाइए, ये नॉर्मल टी है जो हम पीते हैं, ये जो है ये शायद पता नहीं कौन सी टी है लेकिन ये पत्ती वाली टी है। और आप ये पूरा फैक्ट्री को देख सकते हैं, कई लाख शायद प्लांट्स हैं, पौधे हैं, हर तरीके के पौधे हैं, प्लांट्स हैं। आप थोड़ा दिखाइए, और इधर को आइए, इधर को दिखाइए थोड़ा सा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिलास हाउस है, इसके अंदर प्लांट्स रखे हुए हैं सारे, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं, बड़े अच्छा लग रहा है, नेचर का मजा लेना है। तो यहाँ पर आए हैं बोटेनिक गार्डन कहते हैं, 1845 में इसको बनाया गया था अंग्रेज द्वारा, और आपकी मर्जी है जैसा चाहे आप कर सकते हैं, वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन ये बहुत अच्छा गार्डन है, बोटेनिक गार्डन है। चलो ठीक है, लेकिन आप वीडियोग्राफी करेंगे कैमरे से तो आपको उसके चार्जेस अलग देना होंगे, और चिल्ड्रन टिकट 20 रुपीज़ है, वीडियो कैमरा 100 रुपये। और अभी हमें यहाँ पता किया है, एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं हम लोग, ग्रुप फोटो, जो कि शायद पता नहीं कितने का बताया उन्होंने, खत्म हो गया। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले वो प्लांट्स दिखाए थे ग्लास हाउस में, अभी हम यहाँ पर हैं, पूरा गार्डन है बोटेनिक गार्डन। और आइए थोड़ा आपको और थोड़ा आगे चलते हुए, और हाँ अभी हमने ग्रुप फोटो लिया है, जरा अच्छे से देखाओ,
इसका प्राइस है 100 रुपीस। ये 100 रुपीस में मैंने खींचा है, बहुत अच्छा फोटो है, बहुत बड़ा साइज है इसका। अगर आप ग्रुप फोटो चाहते हैं तो आपको 100 रुपीस देना पड़ेगा। आइए 10 मिनट नहीं, थोड़ी बूंदे बांदी होने से देखो हमें हो रही दिक्कत, बारिश भी तो हो रही है, ये हमें हो रही दिक्कत। थोड़ी सी धूप निकलती है तो ज्यादा मजा आता। यहाँ पर ऊटी है, जाहिर सी बात है यहाँ पर क्लाइमेट अच्छा ही रहता है, लेकिन ये वर्षा जो पड़ रही है इससे हमें इरिटेट होता है थोड़ा सा। हम थोड़े थोड़े हम आज थोड़ा कम पड़ रहे हैं। हाँ है ना। हाँ ये तो मैं भी कहूँगा कि आज हम थोड़ा सा कम पड़ रहे हैं। कम बंद कर दो तपने वगैरह। हाँ फिर माफी चाहते हैं, वहाँ पे कुछ पुराने लोग आ गए थे तो हमें पुरा रहे थे, इसलिए हमने थोड़ी वीडियो बंद कर दी। लेकिन अभी हम जब अभी हम जहाँ जा रहे हैं इटालियन गार्डन, अब हम आपको ले आ रहे हैं इटालियन गार्डन जो कि थोड़ा ऊपर है। आइए और आपको दिखाते हैं इटालियन गार्डन का थोड़ा सा नज़ारा, और आप उसे देख के इंजॉय करिए। ओके हम ऊपर आ चुके हैं, ये इटालियन गार्डन है, और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर दिखाइए थोड़ा सा, और आप इधर भी दिखाइए, आप इधर जाइए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये पूरा गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, बोटैनिक गार्डन। अब पहले बताया था उतना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा देखा तो अच्छा लग रहा है। आइए आगे एक तोप रखी, आगे एक तोप रखी, तोप आपको दिखाते हैं। आपको एक नहीं है, दो तोप हैं, दो तोप हैं आपको दिखाएंगे। चलो मैं बोल, तो आप बोलिए। हाँ देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये है गार्डन का छोटा हाथी का बच्चा, और अभी आगे चल के देखेंगे और भी कुछ है। चलो अरे मैं हमें नहीं रहा, आप लोग ये पहली टॉप है जो हम बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। हाँ दूसरी टॉप और दिखाते हैं हम आपको आगे चलिए। क्या हो गई चलेगी फ्रेंड है, यानी कि अमन फ्रेंड है, हमारे ब्रदर जैसे फ्रेंड है वो, और उन्होंने बताया था। देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैं बोल नहीं लो, अभी आप बोलिए हम देखते हैं। आप देखिए हम किस जगह कैसे चलती थी पहले। ये दो बह जो कि अभी हमारे अमन ने दिखाई थी वो दूसरी थी, ये दूसरी है, यहाँ से कोला निकलता था, और ये एकदम ओरिजिनल दो बह, ये अब भी चल सकती है, और ये अब भी चल सकती है रनिंग कंडीशन में, कोला डालने की देरी है। थैंक यू। ये बात कर रही जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं ऊपर दो हिरन खड़े हुए हैं, लेकिन वो चल नहीं सकते क्योंकि वो नकली हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शो के लिए लगा रखे हैं। ये गार्डन है, लेकिन यहाँ पर छोटा कछुआ भी है, सिर्फ दुमका है, एक मेंढक है, एक बत्तख है, और ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं जो कि जिंदा नहीं है, बस एक अच्छी कारीगरी है यहाँ पर। अच्छा वो क्यों खड़े हैं, मतलब क्या करने चाह रहे हैं? वो वहाँ पर चुंग रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं वो वहाँ चुंग रहे हैं। एक देखो ऊपर देख रहा है, एक कुछ खा रहा है, एक देख रहा है कहीं अटैक तो नहीं होगा। हाँ एक रखवाली उधर देखो, एक मेंढक भी है, एक मेंढक है बड़ा हो गया है, नीचे कछुआ है, ये नीला नीला जो है पानी जैसे दिखाने की कोशिश कर रही है पर है नहीं। सही है आ रहे हैं, ये एक थोड़ा डिजाइनिंग तरीके से ये सब बनाया हुआ है, ये कुछ ये शेप में है, ये कुछ स्क्वायर शेप में है, फिर वो शेप में है, एक तरीके से एक मिनी गार्डन आप इसे समझ सकते हैं। काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग यहाँ पे हुई है दूसरे गार्डन्स के सामने तो, और मेंटेन काफ़ी हुआ है यहाँ पर, सफाई का ध्यान रखा हुआ है और काफ़ी मेंटेन है, और वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस स्मेल्स। और सबसे ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही सुकून है इधर। बस ये दिक्कत है कि हमें ये थोड़ी सी कुड़न कह सकते हो, अब होती है कुड़न, मतलब हमारा अपना देसी वर्ड है, जो भी समझे कुड़न मीन्स एडिटेड कह सकते हो। आई एम वेरी कुड़न, सो मी और हाँ एक बात कहना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट मैन, जैसा कि आप देख सकते हैं सारा सामान हमने बांध लिया है, थोड़ा दुवाड़ लगाई है, और हम यहाँ से मुंडी से निकले, एक पाया करा
हमारी समझ लिए जाने का सफर स्टार्टिंग है, हम डेढ़ दिन में पहुँचने वाले हैं। देखते हैं अगली ट्रिप जब हम बनाएंगे तो अगली वीडियो डालेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। One more beautiful life, one touch and love.